हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का आवली प्रश्न स्वागत है। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में सबसे निर्धन देश है। अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो खनिज संसाधन सबसे निर्धन देश है, अर्थात गरीब है। यहाँ खनिज संसाधन आप देखेंगे दक्षिण वाले जिलों में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं, और मिलनी 9 या 10 जिलों में पाए जाते हैं जो खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा। अगर उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट खनिज संसाधन पाया जाता है? 3%। 3% पूरे भारत की बात किया जाए तो 3% खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जो खनिज नीति आई थी, पहली बार खनिज नीति कब आई थी? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम 1974। खनिजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को चिन्हित किया गया कि सबसे ज़्यादा खुदाई खनिज। तो क्या है माइन? उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में, और 1998 में इसी नीति में इन खनिज वाले जिलों को, जो दक्षिण के कुछ जिले हैं, इन दक्षिण उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण के कुछ जिले हैं उनको उत्तर प्रदेश में खनिज नीति के तहत उद्योग का दर्जा दे दिया गया, अर्थात इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, अर्थात इन जिलों के लिए बढ़ावा दिया गया। जो भी जिले में जो भी उत्पादन अर्थात जो भी खनिज पाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 1998 में इनको क्या कर दिया गया? उद्योग का दर्जा गया। अगर आप उत्तर प्रदेश की देखें, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा खनिज वाला जो इलाका है या पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे ये बिंधक्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, बिंधक्रम की चट्टानें, और आप बुंदेलखंड चट्टानें, और कुछ नदी घाटियों में भी पाई जाती हैं, और कुछ आप देखेंगे हिमालय के शिवालिक श्रेणियों में भी यहाँ सहारनपुर में कुछ पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा आप पठारी वाले इलाकों में ही खनिज पाया जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा खनिज आपको पाए जाते हैं ये आपके दक्षिण वाले इलाका में। अगर हम मिलनी देखें तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बादा, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोला जाता है, मिर्ज़ापुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र, इन्हीं इलाकों में क्या सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं? अगर हम मिलनी देखें तो कौन से खनिज किस जिले में पाए जाते हैं तो वो हम देखते हैं। देखिए, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, इसके बाद सोनभद्र में, कुछ सोनभद्र में भी चूना पत्थर पाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर। कोयला सिंगरौली में पाया जाता है, सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली, सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसका मतलब गोंडवाना क्रम की कुछ चट्टानों का हिस्सा आपको सोनभद्र मिलेगा, ये सोनभद्र। और सोनभद्र आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, ये सोनभद्र क्या है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र। और ये एक खासियत है और इसकी, ये चार राज्यों से घिरा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये सोनभद्र क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, ये चार राज्यों से घिरा है, ये भी क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट देखिए, आपका कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बागसाइड, ये बांदा चंदौली सोनभद्र में, बांदा आप देख रहे हैं, ये हमीरपुर के बगल जिस देख रहे हैं, बांदा, बांदा चंदौली और सोनभद्र, बांदा चंदौली सोनभद्र, ये तीन जिलों में क्या पाया जाता है? बागसाइड। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, ये देखिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, सोनभद्र जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर जस्ट इसके साइड में बगल देख रहे हैं, चंदौली है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में क्या पाया जाता है? डोलोमाइट, और थोड़ा बादा में भी पाया जाता है डोलोमाइट। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी में, ये देखिए झांसी और हमीरपुर, झांसी और हमीरपुर में क्या पाया जाता है? जिप्सम। सोना कहाँ पर? शारदा और रामगंगा नदियों के रेत पे सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे सोना तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है जो कर्नाटक पड़ता है। अगर भारत की बात करें तो कर्नाटक में आपका कुलार घट्टी खाने हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। अगर भारत की बात करें आपको तो उत्तर प्रदेश में सोना कहाँ पाया जाता है? शारदा और रामगंगा की नदियों की जो रेत है वहाँ सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। यूरेनियम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरेनियम कई बार एग्जामों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के आप जितने भी एग्जाम उठाकर देखेंगे वहाँ इससे क्वेश्चन जरूर आए हैं। यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है, और ललितपुर की खासियत क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा है, ये ललितपुर की खासियत है। और यहाँ क्या पाया जाता है? तांबा भी पाया जाता है। ललितपुर में एक सोनराई क्षेत्र है, वहाँ तांबा भी पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा और मिर्ज़ापुर में, ये बांदा हो गया आपका, ये मिर्ज़ापुर में,
बादा और मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और हीरा वैसे क्या है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश कहाँ? पन्ना की खान, पन्ना की खान में भी हीरा पाया जाए। और हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है ये आपको ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। पहले ये समझिए, ये बिंध क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आपको जो छह चट्टाने हैं, जब पृथ्वी पहले शुरू में क्या थी? आग का गोला थी। धीरे धीरे ठंडा हुई, पहले क्या पूरा, पहले आर्कियन क्रम की चट्टाने बना, फिर धारवाड़ की क्रम की चट्टाने, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टाने, फिर विंध्यन क्रम की चट्टाने, फिर दक्कन ट्रैप की चट्टाने, फिर लास्ट में किस प्रकार की चट्टाने? गोडवाना क्रम की चट्टाने। जो पहले भी बता चुकी, गोडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। जब ये आपका ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो इन चट्टानों के बारे में पढ़ाएंगे क्या क्या खासियत है। तो आपको भी यहाँ याद रखना है कि जो हीरा है बादा और मिर्जापुर में पाया जाता है, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। संगमरमर जो खनिज पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। तांबा पहले ही बता चुके हैं, ललितपुर में। ललितपुर का एक स्थान क्या है? सोनराई क्षेत्र, वहाँ पाया जाता है। एस्बेस्टस ये मिर्जापुर में पाया जाता है, यहाँ देखिए दक्षिण में। आप देख रहे हैं अधिकतर खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं वहीं पाए जा रहे हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाए जाए? मिर्जापुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर में, देख रहे हैं ग्रेफाइट हमीरपुर में। रॉक फॉस्फेट बादा और ललितपुर में, ये आपका बादा हो गया और नेक्स्ट आपका ललितपुर। ललितपुर पहले ही बता चुके हैं। ललितपुर क्या है? एक ऐसा जिला है, बार बार आप सुनिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद हो जाएगा। ललितपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा। और ललितपुर में क्या है? यूरेनियम भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट बादा और ललितपुर में। चाइना क्ले, चाइना क्ले एक खनिज होती है, वो कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। चाइना के लिए सोनभद्र में पाया जाता है। अब एक बार और देख लीजिए जिससे आपको याद हो जाएगा। चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र में, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, बॉक्साइट बादा चंदौली सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बादा, जिप्सन हमीरपुर झांसी, हमीरपुर झांसी, सोना शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में। अगर भारत की बात करें तो कोलार और हट्टी की खाने कहाँ हैं? कर्नाटक में, वहाँ पाया जाता है। और किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक। हीरो यूरेनियम ये ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में, हीरा बादा और मिर्जापुर में, ताबा ललितपुर में सोनराई क्षेत्र में वहाँ पाया जाता है, एस्बेस्टस मिर्जापुर में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, रॉक फॉस्फेट बादा और ललितपुर में, चाइना के लिए सोनभद्र में, ठीक है। स्टूडेंट ये आपके खनिज संपदा दृष्ट हो गए। हम आपको पहले भी बता चुके पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अगर पूरे भारत की बात करें सिर्फ 3% ही खनिज संपदा पाया जाए। और वो कहाँ पाया जाता है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जितने जिले हैं, 10 जिले हैं, वहीं पाया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश की प्रथम खनन नीति आई थी या खनिज नीति आई थी 1998 में, उसी में इसको क्या कर दिया गया था? एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन खनिज संपदाओं की दृष्टि से जितने भी जिले हैं इनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खनिज मिले। क्योंकि आपका बीच वाला आप इलाका देख ही रहे हैं, ये वाला मध्यवर्ती इलाका जहाँ गंगा यमुना का दौर, यहाँ क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप ये जो पठारी क्षेत्र है, आप प्रायद्वीपी भारत देखेंगे, आप पहले भी बता चुके हैं, ये आपका ये प्रायद्वीपी भारत है। जब हम आपको पंजिया बता रहे थे, जब पंजिया अलग हुआ था, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो भारत आपका ये जो पुराना भारत है जिसको आप प्रायद्वीपी भारत और दक्षिण भारत कहते हैं, यही है आपका प्रायद्वीपी भारत, देख रहे हैं ना, दक्षिण भारत यही है। जो आप ये देखते हैं आप उत्तर, ये जो गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब वाला इलाका देंगे, यहाँ पहले क्या था? यहाँ पहले आप देखेंगे ये सब चीज़ें, यहाँ ही पहले आप टेथिस सागर था, बाद में यहाँ नदियों ने जरूर निक्षेप भर दिया, बाद में हिमालय हुए, इसलिए हम जो हिमालय की रचना हुई इसे हिमालय को क्या कहते हैं? वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में रखते हैं हिमालय को, ठीक है। ये आपको हम ज्योग्राफी में बताएंगे, यहाँ आपको मोटा मोटा समझा रहे हैं कि तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जो आप ये वाला छोटा प्रायद्वीपी का जो हिस्सा है पठारी क्षेत्र, ये आपका बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब आपके प्रायद्वीपी भारत के ही भाग हैं। जितनी भी चट्टाने आपको, जितने भी खनिज पाए जाते हैं सब आपके पठारी क्षेत्रों में ही मिलते हैं। आपको देखा जाए तो जितनी भी ये चीज़ें पाई जाती हैं आपको कहाँ खनिज संपदा दें, सब आपके पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो आपको हम देख रहे हैं
कला या संस्कृत और एक दो टॉपिक पे देख रहे हैं। ठीक है, थैंक्स।